रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद कैसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 6 एंड इट्स एक्सरसाइज 6.1 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 6। हम बच्चों पहले हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब भी हमने किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, दो नंबर्स दिए हों या दो से ज़्यादा नंबर दिए हों, अगर आपने उनका एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ की डेफिनेशन क्या करते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ इज़ अ नंबर, एचसीएफ इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड द गिवन एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब जो वर्ड यहाँ पर बोला गया है कम्प्लीटली, इसका मतलब है कि रिमाइंडर इज़ ऑलवेज जीरो। तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी था कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे रिमाइंडर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब देखें भाई, इसके अंदर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपने बेटा जी के की वैल्यू निकालनी है, इज़ एक्स प्लस फोर द एचसीएफ ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक का नाम हम देंगे पी ऑफ एक्स, दूसरे वाले को नाम देंगे क्यू ऑफ एक्स का, और यहाँ पे उसका एचसीएफ दिया हुआ है और वो क्या है, एक्स प्लस फोर। तो बेटा जी आपने ये लाजमी पढ़ा होगा या अब आप पढ़ रहे होंगे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम उसी फॉर्मूले के लिखेंगे कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमारे पास इसी तरह की सिचुएशन इसी क्वेश्चन के अंदर है कि हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल हम लेंगे बेटा जी पी ऑफ एक्स और इस पॉलिनोमियल को लेंगे हम क्यू ऑफ एक्स और ये हमारे पास उसका क्या है, एचसीएफ। अब आपके पास तीन चीज़ें मौजूद हैं, ये एचसीएफ है, ये वाला पी ऑफ एक्स सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को क्यू ऑफ एक्स सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, एलसीएम की। तो बेटा जी जब भी हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, ये बात यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको क्या सपोज कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स, तो हमने इसको पी ऑफ एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इस माइनस को बेटा जी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, माइनस का टू के, माइनस का टू। ले जी ये आपके पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने पी ऑफ एक्स से जाहिर किया और दूसरे वाली को मैंने क्यू ऑफ एक्स से जाहिर किया। तो दूसरी क्यू ऑफ एक्स है वो कौन सी है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल टू। अब ये बेटा जी आ गया जी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस फोर। लें जी यहाँ पे लिखेंगे आप एलसीएम की जगह, एचसीएफ की जगह पे एक्स प्लस फोर। अब देखिए आपने एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ भी मालूम है, आपको पी ऑफ एक्स भी मालूम है, क्यू ऑफ एक्स भी मालूम है, तो ये जो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का टू के माइनस का टू, हमने ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का ट्वेल्व, डिवाइड में क्या आएगा, एक्स प्लस फोर आ जाएगा। अब देखें बेटा जी यहाँ से हमने क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। देखो आपके पास जो डिवाइडेंड है उसके अंदर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट मौजूद है और नीचे डिवाइज़र में सिर्फ एक ही टर्म है वो है एक्स प्लस फोर। अब आप क्या करेंगे, किसी एक को आप इससे डिवाइड करो या इसको डिवाइड कर लो इससे या इसको इससे डिवाइड कर लो, तो कोई एक सेलेक्ट कर लें। तो क्या करेंगे, हमने इसमें से दोनों में से हमने ये वाली एक्सप्रेशन हमने सेलेक्ट की और आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का टू के और माइनस का टू,
डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस फोर से। आपने x प्लस फोर यहाँ पर लिखा, सिंपल हमने लॉन्ग डिवीजन का मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अब आपको पता है कि मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो क्या बनेगा x, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो बेटा जी बन गया एक्स स्क्वायर। फिर इसी क्वेश्चन को आपने फोर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा फोर एक्स। आपको पता है डिवाइड में हमेशा साइन जो होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, तो साइंस आर चेंज्ड, तो ये पहली टर्म से कट गई। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा प्लस का 1x, ये आएगा माइनस का 3 4x, इन दोनों को हल किया तो माइनस का 3x, और आगे वाली दोनों टर्म्स नीचे उतार लें, ये जो दोनों दी गई हैं इनको हमने नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसी डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास पहली टर्म जो है ना वो माइनस का 3x बने। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 3 से। माइनस के 3 से बेटे जी इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x आ गया, माइनस के 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12। आपने इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखना है, x वाली x के नीचे, देखो x वाली x के नीचे लिखी है, कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे लिखा है, माइनस का 2k प्लस का 10, इसको हल किया तो प्लस का 10 आएगा। अब आपको पहले बेटा जी बताया है कि जब भी हमने LCM निकालना हो या HCF निकालना हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होता है। तो अब आप क्या करेंगे, चूँकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और LCM निकाला जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी रिमाइंडर को 0 के बराबर लेंगे। फॉर एग्जैक्ट डिवीजन ये लिखेंगे, फॉर एग्जैक्ट डिवीजन रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, माइनस का 2k प्लस का 10, माइनस का 2k प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। पहले भी बताया जा चुका है कि क्योंकि हमने LCM निकालना है या HCF निकालना है तो रिमाइंडर हमेशा लाजमी तौर पे 0 के बराबर होता है, लेकिन चूंकि हमने वैल्यू निकालनी है k की, इसलिए रिमाइंडर 0 के बराबर इक्वेट किया जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, माइनस का 2k, ये माइन प्लस का 10 लेफ्ट पे जा राइट पे जाके क्या हो गया, माइनस का, ठीक है जी। अब आप माइनस 2 को बेटा जी जो k के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या बन गई, प्लस 5, क्योंकि माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस, 2 5 10। ले बच्चों ये था आज का क्वेश्चन जो यहाँ पे हल कर दिया गया, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये आपके जो नए आने वाले सिलेबस में शामिल है इसको ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी किसी किस्म की कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, आपको उसका आंसर फौरन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।